से बिहार के 50 लाख छात्र बाहर जाते हैं आपकी दूरदर्शिता से, और 50 लाख बच्चे बिहार का कितना पैसा ले जाते हैं हर साल, जितना बिहार सरकार का बजट होता है उतना पैसा, 75,000 करोड़ रुपए बिहार के छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए पैसा ले जाते हैं। क्यों जाते हैं बच्चे? क्योंकि आपका डिग्री 3 साल में नहीं मिलता, आप डिग्री देते हैं 5 साल में, वह भी फर्जी डिग्री, बिना पढ़ाए हुए डिग्री, बच्चों को क्लासरूम में पढ़ते नहीं, आपके शिक्षक जाते नहीं, सबको मालूम है बिहार में फर्जी डिग्री देते हैं, वह भी 3 साल में नहीं देते, उसको 5 साल में देते हैं। बहुत सारे छात्र बैठे होंगे इस बात के पीड़ित होंगे, भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं यहाँ दिख नहीं रहे हैं, ये बच्चे छोटे हैं जो 8वीं 9वीं 7वीं पढ़ने वाले लोग हैं, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे रहते हैं तो ज्यादा वो इस बात को समझते हैं, वो राज्य के बाहर चले जाते हैं। हम एक साथ इस राज्य से हम पैसा भी बाहर जाता है, हमारा ज्ञान भी चला गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, हमारी बुद्धि जीविता भी जाती है और हमारी जीविका भी जाती है और पैसे भी बाहर चले जाते हैं, ये गरीब राज्य के बाहर। तो नीतीश कुमार जी, जो आप पूरे बिहार को जिस गर्त में आप धकेल चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस चला चली की बेरा, राजनीति में 17 साल आप रहे, अब ये चला चली की बेरा में जितना जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करिए नौजवानों के हाथ में, कि बिहार को बदलने की मुहिम अब से कम हम शुरू कर सकें, तो आने वाले वक्त में हम बिहार को फिर हम सिरमौर बनाएंगे, वो बिहार जो देश पर राज किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो पूरे बिहार का बंटाधार करने के लिए कुख्यात, तब की मैं बात करूं जो 2005, क्योंकि वो बार बार तुलना करते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन उनको कौन याद दिलाएगा, जो उनके साथ रहने वाले हैं वो सत्ता की मलाई में हिस्सेदार है, और विपक्ष को नीतीश कुमार तो हमेशा ही खारिज कर देते हैं बिहार में, वो कहते हैं कि मैं ही बिहार हूं, आप वोट भी देते हैं बिहार में। 2015 में नारा लगा, क्या नारा लगाया बिहार में? बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। तो ऐसे परिस्थिति में जो बिहार के मुख्यमंत्री पैदा हो बनते हैं, तो पहला हमला किस पर करते हैं? वो पहला हमला करते हैं इस राज्य के किसानों पर, और इस राज्य के किसानों से मंडी छीन लेते हैं। हर चीज का चर्चा हो जाता है, आंगनबाड़ी वालों की भी चर्चा हो जाती है, वहां आशा कार्यकर्ताओं की भी चर्चा हो जाती है, उद्योग चलाने वाले के लिए तो देश में सब लोग अडानी अंबानी के दीवाने हैं, वो यहाँ वाले हो चाहे वहां वाले, फर्क नहीं है, आते हैं घर में किसान और मजदूर के घर से, और बात हमेशा अडानी अंबानी के ही पक्ष में करते हैं लोग, यह बात देश में छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब किसानों की बात आती है, कारीगरों की बात आती है, कामगारों की बात आती है, कोई भी आपका सुनते होंगे कि कोई बात नहीं, कानून पे चर्चा नहीं, देश में बिना मांगे 3 किसी कानून बनाया, और देश का जब किसान दिल्ली की छाती पे चढ़ गया, 13 महीने 700 शहीद हुए, तो दिल्ली की सरकार को आंख खुला कि हमने गलत कर दिया, कानून वापस कर दिया, लेकिन बिहार में देखिए कुछ नहीं हुआ, यहां की सरकार कानून नहीं वापस की, आज भी उसी कानून को ढो रही है, जो दिल्ली वाला जो कानून बना था उस कानून को बिहार के लोग ढो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मोदी से लड़ेंगे। भाई मोदी से लड़ना होगा इस देश में तो मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए हमको, हमको तो किसान नेता चाहिए, हमको तो गरीबों का आदमी चाहिए, हमको तो कामगारों का आदमी चाहिए, हमको तो कारीगरों का आदमी चाहिए, आप दोनों एक नीति नहीं चला सकते, सत्ता भी वही नीति चलाएगा और विपक्ष भी देश का वही नीति चलाएगा, ऐसा पहली बार बिहार में आप देख रहे होंगे लोग। आश्चर्यजनक रूप से जो दिल्ली की जो नीति है उसी पर बिहार की भी सरकार चल रही है, तो फिर सरकार बनाने का मतलब, फिर सरकार बदलने का मतलब, तो कपड़ा जैसे सरकार जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ही सरकार बदलने का काम कर रहे हैं, आप बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, असल बदलाव नहीं, लोगों को झांसा दे रहे हैं, ये बिहार जो झांसे में पड़ा है, एक नारा भी था शायद पिछली बार लगा था, झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे, नारा हमने देखा था, किस तरीके से
झांसा देने वाले लोग ही कह रहे झांसा में नहीं आना। क्या नारा था? झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। झांसा जो दे रहा था वही कह रहा था झांसा में नहीं आना। और झांसे में लोग आए, बिहार के लोग, जिता दिया उन्होंने। आज क्या हालत है? कोई छुपा हुआ नहीं पूरे बिहार का। बाकी विषय पर तो इसलिए नहीं बोलता हूं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कि पहले एक ही बात तो मुद्दा तय हो जाए। तारे लोग बिहार विकास कर रहा, अगर बिहार विकास कर रहा है नीतीश कुमार जी, तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं इस मंच से भी पूछ रहा हूं और मैं बिहार विधानसभा में भी आपसे पूछूंगा कि बिहार की आबादी 8.5% है। देश में जितने लोग रहते हैं उसके 8.5% आबादी बिहार में है। और हम बिहार की देश की अर्थव्यवस्था में हम केवल 3.5% योगदान जीडीपी में 2005 में दे रहे थे। अगर बिहार विकास किया है 2023 में, तो देश के जीडीपी में हमारा योगदान कितना है? तो आज हमारा विकास दर घटा है, हम जीडीपी में आज 3.4%। मतलब बिहार पीछे गया है 17.5 सालों में, आगे नहीं गया नीतीश जी। बिहार की सरकार के अधिकारी लोग हैं वो तस्करी करा रहे हैं, सबको मालूम है। तो नेपाल बॉर्डर पे हैं, जानते हैं कि यहाँ पे आपको खाद नहीं मिलेगा, नेपाल चला जाता है। समाधान तो है, राज्य सरकार इसका समाधान नहीं करना चाहती है जानबूझ करके। वह माफियाओं से मिली हुई है, इसका समाधान हम लोग ढूंढेंगे। हम लोग आज राज करने वाली सरकार में बैठे हुए लोग किस कदर राज के किसानों का शोषण कर रहे हैं। नारा दिया गया था कि हम 2022 में किसानों की आय को दुगुना कर देंगे। इसमें तीन मोदी जी ने कानून को निरस्त किया था। इसकी आधारशिला हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री, तब के कृषि मंत्री, भारत सरकार में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये कृषि मंत्री थे। अब बताना भी पड़ता है कि कब किसके किसके साथ रहे।